सतनाम वाहेगुरु जी। आज की कहानी हम सभी को मिलकर वृद्धा आश्रम बंद करने हैं, इस पर आधारित है। तो आइए कहानी शुरू करती हूँ। एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। उसे जब भी फुर्सत मिलती वो आम के पेड़ के पास पहुँच जाता, पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता और थक जाने पर उसी पेड़ की छाया में सो जाता। उस बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो बिल्कुल बंद ही हो गया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके अकेला रोता रहता। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा और पास आने पर कहा, तू कहाँ चला गया था? मैं रोज़ तुम्हें याद किया करता था, चलो आज फिर से दोनों खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ ने कहा, तुम मेरे आम लेकर बाजार में बेच दो, इससे जो पैसे मिले अपनी फीस भर देना। उस बच्चे ने ऐसा ही किया। आम के पेड़ के सारे आम तोड़ लिए और उन सब आमों को लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद वह बच्चा फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ उसकी राह देखता रहा। एक दिन वह बच्चा फिर आया और कहने लगा, अब मुझे नौकरी मिल गई है और मेरी शादी भी हो चुकी है, मुझे मेरा अपना घर बनाना है, इसके लिए मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। तो आम के पेड़ ने कहा, तू मेरी सभी डाली को काट कर ले जा, उससे अपना घर बना ले। उस जवान बच्चे ने पेड़ की सभी डाली काट ली और लेकर चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ भी नहीं था, वो अब बिल्कुल बंजर हो गया था, कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने अब वो जो बालक जवान हो गया था उसके पास आएगा यह उम्मीद तक छोड़ दी थी। फिर अचानक एक दिन वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही बालक हूँ जो बार बार आपके पास आता और आप हमेशा अपने टुकड़े काटकर भी मेरी मदद करते थे। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तो उस वृद्ध के आंखों में आंसू आ गए और कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आज तो मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है, आपकी गोद में सर रखकर सो जाना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी डाली फिर से अंकुरित हो उठी। वो आम का पेड़ कोई और नहीं, हमारे माता पिता हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम छोटे थे हम उनके साथ खेलते थे, उन्हें अच्छा लगता था। जैसे जैसे बड़े होते चले गए, उनसे दूर होते गए, पास भी तब आए जब हमें कोई ज़रूरत पड़ी या कोई समस्या खड़ी हुई। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं। हमें जाकर उनसे लिपट जाना चाहिए और उनके गले लग जाना चाहिए, फिर देखना वृद्धावस्था में उनका जीवन फिर से अंकुरित हो उठेगा। और आजकल की औलाद सही रास्ते पर आकर अपने माता पिता को गले लगा सके, ताकि इस संसार के सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएं। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। सतनाम वाहेगुरु जी।